सामाजिक संस्था स्मार्ट केयर फाउंडेशन द्वारा मॉडल टाउन विधानसभा के परमेश्वरी वाला बाग में स्मार्ट क्रिकेट लीग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। आपको बता दें इस उद्घाटन अवसर पर आम आदमी पार्टी चांदनी चौक लोकसभा से प्रभारी पंकज गुप्ता, मॉडल टाउन विधानसभा के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी, स्थानीय निगम पार्षद रिंकू माथुर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वही इस दौरान श्रीमती सुशीला, स्वाति सचदेवा, रविशंकर, डॉक्टर ललितानंद, कैलाश चंद, संजय मित्तल, राम सेवक, सुमित भोजगी, विमल खन्ना सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे और मंच पर सभी अतिथियों को सम्मानित भी किया गया। सुमित भोज जी को सूरज भाई मोमेंटो देकर वर्ल्ड विजन जो है हमारे क्षेत्र में इम्तियाज भाई का समय समय पर हमें भरपूर सहयोग मिलता है। सबसे पहले तो मैं स्मार्ट केयर फाउंडेशन के सभी मेंबर्स को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने सोचा कि एक ऐसा कार्यक्रम शुरुआत करने की ज़रूरत है इस इलाके में, जिससे बच्चों को खेलने का एक मौका मिले, एक कॉम्पिटिशन की भावना का पैदा हो और लोगों में खेल भावना का प्रसार हो। और उससे दूसरी बात जो सबसे अच्छी बात मेरे को देखने को मिली कि उन्होंने एक ऐसे पार्क को जो बहुत ही गंदा पड़ा हुआ था उसको इस खेल के लिए तैयार किया, सबने मिलकर तैयार किया, रोज इसकी देख रेख की, सफाई करवाई, जो भी चीज़ों की ज़रूरत थी उसके खेल के हिसाब से इसको ढाला। इससे भी एक बहुत ही टीम भावना का प्रदर्शन होता है जो कि आज इस देश में बहुत आवश्यक है, ज़रूरत है, जिसकी सभी खिलाड़ी जो इसमें आज भाग ले रहे हैं, आने वाले 5 हफ्ते में भाग ले रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। बधाई के बात रहे हैं, स्मार्ट केयर फाउंडेशन जो शुरुआत करी है, मैं ईश्वर से कामना भी करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ कि उनका आशीर्वाद बनाए रखे और लगातार युवाओं को जो है बढ़ते हुए नशे से दूर रखने का काम करेगा। ये लोगों को दिलों के बीच में बात जो है सेतु बनने का काम ये क्रिकेट लीग करेगा और साथ साथ उत्कृष्ट खेल भावना के साथ साथ एकता का प्रदर्शन यहाँ देखने को मिलेगा। आज जिस तरीके की देश की सरकार लोगों को तोड़ने का काम कर रही है, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि स्मार्ट केयर फाउंडेशन आज इस क्रिकेट लीग के माध्यम से जो है लोगों को दिलों को जोड़ने का काम कर रही है। कम से कम इतने छोटे स्तर में भी लोगों को जोड़ने का काम चल रहा है तो देश की सरकार को ये सोचना चाहिए लोगों को तोड़े नहीं जोड़े, देश को जोड़े। ये टूर्नामेंट है 5 हफ्ते चलेगा, संडे टू संडे, लेकिन स्मार्ट केयर फाउंडेशन है क्योंकि पहले जितने पदाधिकारी हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे समाज के लोगों को जो हमारे क्षेत्र लालबाग से हैं जहाँ तक खिलाड़ी उनको एकत्रित करा और समाज को आगे जोड़ा और जो खेल प्रतिभा भावना है जो मन से उनको उभारी, जो बच्चे भी चाहते थे कि भाई कोई खेल प्रोग्राम हो। इससे पहले हम एक साल पहले एक टूर्नामेंट कराए थे और दूसरा टूर्नामेंट हम द्वारा कराए जो भी हमारे सहयोग होता है हम सहयोग पूरी तरह से करते हैं। और लोकसभा बर्बादी भी विधायक साहब मौजूद हैं और ये बहुत अच्छी शुरुआत है क्या कहना चाहेंगे। स्मार्ट केयर फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उम्दा प्रयास के लिए कि उन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया कि बच्चों को यंगस्टर्स को जोड़ा अपने साथ में, लोगों की एनर्जी को, बच्चे में ना बहुत एनर्जी होती है, अगर उसे ही सही तरीके से हम चैनलाइज करके एक अच्छी चीज़ में लगाएंगे तो देश का आगे यही टैलेंट है सबसे बड़ा। हम जगह जगह देखते हैं कि आज दिल्ली से बड़े बड़े प्लेयर्स निकल रहे हैं, छोटे छोटे शहरों से लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो शायद कौन जाने कि कल इन्हीं में से कोई सचिन तेंदुलकर, इन्हीं में से कोई विराट कोहली निकल कर आए। तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी सारी। सबसे पहले बता दूं कि ये ग्राउंड में मतलब हालत नहीं थी इस ग्राउंड की कि यहाँ पे कोई आदमी आ सके चलने फिरने के लिए, बहुत बड़ी बड़ी मतलब यहाँ पे घास है और बहुत ही ज़्यादा ये डीडीए का ग्राउंड है, बहुत ही ज़्यादा इसकी हालत ख़राब थी। हमने सबसे पहले ये जिम्मा उठाया कि कम से कम एक टूर्नामेंट के बहाने एक मतलब जो है साफ़ सफाई हो जाएगी, एक सफाई अभियान को हम बढ़ावा देंगे और इसके बाद हम और भी मतलब जो है इसके बाद कई कार्यक्रम हमने हमारे हैं, महिला कबड्डी है, फुटबॉल है, तो स्मार्ट केयर फाउंडेशन सिर्फ खेलों पर ही नहीं, स्मार्ट केयर फाउंडेशन हेल्थ में आपने देखा होगा, एजुकेशन में, एनवायरनमेंट में, हम इन स्मार्ट केयर फाउंडेशन हर एक चीज़ में मतलब जो हर फील्ड में वर्क कर रही है। इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हमने इस उद्देश्य से किया, एक तो हम इस ग्राउंड को आज से पहले जिन लोगों ने भी देखा आज लगभग 1 से 1.5 हज़ार की संख्याएँ आए हैं, इतनी कम से कम 4-4 फुट की झाड़ियाँ थी और यहाँ पर लोग शौच के लिए आते थे। सबसे पहले हमने इसका सफाई अभियान को लेकर इस ग्राउंड को साफ कराया, फिर खेल को बढ़ावा देने के लिए हमारे यहाँ कोई ग्राउंड नहीं है तो एक यही ग्राउंड था ताकि यहाँ के बच्चे खेल सकें,
और बाहर दूर दूर जाते थे, नजदीक में खेल रहे हैं और काफी उत्साहित है यहाँ पर बच्चे खेलने के लिए इस क्रिकेट टूर्नामेंट को। स्मार्ट केयर फाउंडेशन का जो प्रथम प्रयास है बहुत ही सफल प्रयास है, उसके लिए उन्हें शुभकामनाएं। स्मार्ट केयर फाउंडेशन हमारी एनजीओ के माध्यम से हमने जो यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करवाया है, तो यही नहीं हमारे यहाँ के विधायक, निगम पार्षद और हमारे बहुत से लोगों ने सहयोग किया है। और हमने मेन बच्चों के भविष्य को लेकर के जो यहाँ पर के जो बच्चे थे विधानसभा के, जो छोटे क्लस्टर के लोग थे जिनको आज तक लोगों ने कभी प्रमोट नहीं किया, इस चीज को देखते हुए हमने जो है इस एनजीओ के माध्यम से आयोजन कराया।